पशु पक्षियों से प्रेम करता ये शख्स शहनवाज आलम है, जिसने अपने इस प्रेम के लिए अपने प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले शहनवाज आलम उर्फ नवाज बिजनौरी को पशुओं से लगाव का ऐसा खुमार चढ़ा कि अपने इस प्रेम को अपना पूरा समय देने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। ये शहनवाज आलम के घर का एक हिस्सा है, जहां वो अपने इस शौक को पाल रहे हैं। ये हिस्सा एक मिनी चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर इसलिए भी कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ देशी और विदेशी पक्षी मौजूद हैं। इनकी देखभाल नवाज बिजनौरी अकेले करते हैं। ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन तोते से लेकर नॉर्थ अमेरिकन मुर्गा तक नवाज बिजनौरी के इस परिवार का हिस्सा है। जी, ये मेरा शौक है और बहुत पुराना शौक है। बचपन से ही मुझे शौक रहा है। इलीगल बर्ड्स मैं नहीं रखता हूँ। इलीगल बर्ड्स में मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मुझसे कुछ भी ना बचे। मजीद बर्ड्स और अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन जितने भी बर्ड्स हैं, इनमें ज़्यादातर बर्ड्स मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक दो जोड़े मेरे पास ज़रूर हैं। ये शौक का मामला है जी। अगर हम शौक करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें जगह भी चाहिए। अल्लाह कहता है कि जगह मेरे पास है, तो मैंने अलग अलग तरह के परिंदों के जोड़े, कुछ के ज़्यादा कुछ के कम रख रखे हैं। बीट भी हम लोग कराते हैं। बहुत सारी ऐसा भी होता है कि हम लोग दोस्तों को भी गिफ्ट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ज़्यादा हो जाते हैं तो बेच भी देते हैं। मेरे पास लगभग 20-22 तरीके के परिंदे मौजूद है और पर्शियन कैट्स की लगभग 27-28 पर्शियन कैट्स फिलहाल अवेलेबल है मेरे पास जी, जिनमें अलग अलग ब्रीड्स हैं। हिमालयन है, पर्शियन है, पंच है, सेमी पंच है, डॉल है जी। इसमें कई तरह की बिल्लियाँ अवेलेबल हैं। इंडो पर्शियन है, इंडियन कैट भी बहुत सारी हैं। जो अद्भुत सा पक्षी आपने देखा है वो उसका नाम टर्की है। वो नॉर्थ अमेरिका का एक आम बर्ड है, नॉर्थ अमेरिका का मुर्गा कह लीजिए आप उसे। टर्की उसका नाम है और वो लगभग लगभग फिलहाल 6 से 7 किलो का बर्ड मेरा है। फीमेल उसकी लगभग 4 किलो की है जी। दूसरे मुल्कों में इसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, फार्मिंग होती है, पालने में भी इस्तेमाल करते हैं, अंडे भी खा जाते हैं। हमारे यहाँ इसे लोग ज़्यादा जानते नहीं है। एक नए परिंदे के तौर पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया है बिजनौर में। 2012 में बीएड और 2014 में एमएड कर लेने के बाद शहनवाज ने टीचर बनने का फैसला किया। कुछ वक्त नौकरी में रहने के बाद आखिरकार नवाज ने अपने दिल की सुनी और नौकरी छोड़ पशुपालन का काम अपना लिया। नवाज अलग अलग प्रजाति की बिल्लियां भी पालते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक हैं। नवाज इन पालतू पशु पक्षियों का ख्याल तो रखते ही हैं, साथ ही वो लावारिस जानवरों के भी मसीहा हैं। घर के आसपास लावारिस जानवर को चोट लगती है तो नवाज अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहीं खड़े नजर आते हैं। यही कारण है कि जो शहनवाज को जानते हैं वो इन्हें पशुओं का मसीहा भी कहते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।